हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है और वायरल जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके लिए हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से स्ट्रांग हो जाएगी। और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत ज्यादा सस्ता है ये, महंगा भी नहीं है। और इसकी इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ इससे बहुत सारे आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं। तो कौन सी है ये चीज बता दूं आपको, ये हम बात कर रहे हैं आंवले की। जी हाँ दोस्तों, आंवला इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पांच तरीकों से आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवला अगर आपको लगता है कि आंवला कड़वा लग रहा है आपको, इस तरह से आप कच्चा नहीं खा सकते, तो इसमें पांच चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप आंवले को बहुत इजीली खा सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा भी मिलेगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से हैं आंवला को खाने के पांच तरीके बता दें कि प्रचुर मात्रा में, सबसे पहले तो ये बता दें आंवले में होता है विटामिन सी, और विटामिन सी से भरा होता है आंवला और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे तरीके जिससे आप आंवला को बहुत आसानी से खा सकते हैं। औषधीय गुणों से आंवले को अमलाकी भी कहा जाता है, औषधीय गुणों से ये भरा होता है। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में आंवले का प्रयोग किया जाता है, आयुर्वेद से दवाइयां भी बनती है, आयुर्वेद में आंवले का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। आंवले एक इंडिया सुपर फूड है, इंडिया का आंवला, तो आंवले का प्रयोग किया जाता है। कैसे बता दें कि आंवला एक इंडियन सुपर फूड के तौर पर भी इसको कहा जाता है। ये कई हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, उसकी समस्याएं जो होती है, जैसे त्वचा से जुड़ी कोई समस्या, त्वचा के रोग, बाल हैं, पेट की समस्या है, कोई हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो इससे संबंधित बीमारियों का ये निवारण भी करता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है। और कई तरह के जो संक्रमण है जो आजकल दुनिया भर में फैल रहे हैं, इससे भी आंवला आपको बचाने में मदद करता है। तो इससे बने उत्पादों का जो सेवन है वो आपके लिए काफी फायदेमंद है अगर आप कच्चा आंवला नहीं खा सकते। अगर पोषक तत्वों की बात करें तो आंवला पॉलीफिनाइल विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरा होता है और अधिक उम्र के लोगों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। इस फायदे को जानने के बाद अगर आप अपने आहार में आंवले को शामिल करना चाहते हैं तो आपको आंवले के सीजन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और आयुर्वेद के अनुसार आंवले का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, इसका फायदा आपको वैसा ही मिलेगा जैसा ताजे आंवले का मिलता है। ये नहीं है कि आपने आंवले का अचार खाया तो उसका फायदा वैसा नहीं मिलेगा जैसा कच्चे का मिलता है। आंवला को आप किसी भी रूप में खाइए, किसी भी तरीके से आपको फायदा जरूर होगा। तो कौन सा है ये तरीका बता दें आपको। सबसे पहले तो आंवले के मुरब्बे की हम बात करते हैं। आंवले का मुरब्बा खासा पसंद किया जाता है लोगों में। अगर आप मुरब्बे के शौकीन हैं तो ये आपके लिए कुछ अच्छी खबर है, क्योंकि न सिर्फ आंवला बल्कि इससे बना मुरब्बा भी काफी फायदेमंद होता है। एक साधारण मुरब्बा तैयार करने के लिए आपको आंवला, चीनी, इलायची और फिटकरी जैसी बहुत कम सामग्री की जरूरत होती है। आंवले का अचार भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है इसके अलावा आंवला, सरसों के बीज, सौंफ, जीरा, मेथी के बीज और तेल जैसे अन्य लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध सामग्री के साथ तत्काल आंवला अचार बना सकते हैं। हालांकि आंवले का जो मुरब्बा है ज्यादातर लोग घर में ही बनाते हैं, आप मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल होता है। आंवला कैंडी की अगर बात करें, आंवला कैंडी जो आप रास्ते में कहीं भी ले जा सकते हैं अपने बैग में डालकर, कैंडी जो मीठा और खट्टा होता है और डेली भी आप इसको खा सकते हैं। डेली आहार में फलों को शामिल करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है ये। एक उबले हुए आंवले के टुकड़ों को काटकर चीनी के सीरे में मिला लीजिए और इसे धूप में सुखाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। तो ये बन गई आंवले की कैंडी, इसको सीमित मात्रा में आप यूज कर सकते हैं। आंवला टी, जी हाँ दोस्तों, चाय की हम बात करें, आंवला में भारतीय आंवले को शामिल करने के लिए आहार में आंवला टी एक और सरल और आसान तरीका है। पुदीने के पत्ते, अदरक और आंवला पाउडर चाय के मुख्य तत्व हैं। जिस प्रकार से आप सामान्य चाय बनाते हैं उसी प्रकार से आंवला की चाय आप रोजाना पी सकते हैं। आंवले का रस, एक किलो आंवले से 600 मिलीलीटर रस तैयार कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी में दो चम्मच आंवले का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं। आप इसे एक महीने तक रख सकते हैं। यदि आप एक महीने के लिए आंवला जूस का स्टॉक तैयार नहीं करना चाहते तो रोजाना दो आंवले के रस को तैयार करें और इसे एक गिलास पानी में मिक्स कर लें। अब बात कर रहे हैं आंवला की चटनी। आंवला की चटनी बनाना बहुत ही आसान होता है। इसमें आप लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और हल्की चीनी भी डाल सकते हैं, नमक आवश्यकता अनुसार उसको पीस लीजिए और बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी चटनी। इससे त्वचा के साथ साथ ही बालों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। एक औषधीय है, औषधीय गुण इसमें भरपूर होते हैं, तो आंवले का आप सेवन कर सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें या ऐसी चीजें, सुपर फूड जो आप खाना चाहें और कौन कौन उसको खा सकता है, कौन कौन नहीं खा सकता, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी, आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
रिंग्स चॉइस चैनल पर, और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।